तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे यूआरएल शॉर्टनर साइट के बारे में। जी हाँ गाइस, अगर आप में से कोई भी बंदा यूआरएल शॉर्टनर साइट पर काम करता है तो उनके लिए ये वीडियो है गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूआरएल शॉर्टनर साइट पर काम करते हो तो आप अपने यूआरएल शॉर्टनर साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लाएंगे। जी हाँ गाइस, आपको अगर अर्निंग करनी है यूआरएल शॉर्टनर साइट से तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स कैसे लाएंगे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने वाले। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब गाइज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले यूट्यूब पे जाता हूँ गाइज। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे व्हाट्सअप स्टेटस गाइज, तो व्हाट्सअप स्टेटस के जो व्यूज़ है वो आप देख सकते हो गाइज। दो दिन पहले अपलोड किया 18,000 व्यूज़, 10 महीने पहले अपलोड किया 10 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, 21 लाख व्यूज़ 3 महीने पहले अपलोड किया, 58K व्यूज़ यहाँ पर आप देखेंगे। व्हाट्सअप स्टेटस की बात कर रहा हूँ गाइज, 20 लाख व्यूज़, 4 लाख, 2 लाख, 67 लाख गाइज, यहाँ पे करोड़ों में व्यूज़ आते हैं व्हाट्सअप स्टेटस। तो आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करना है किसी के भी नाम से, आपको जो भी नाम अच्छा लगे उसके नाम से अपना चैनल एक क्रिएट करना है यूट्यूब पर। उसके बाद में आपको व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड करने हैं यूट्यूब पर गाइज। व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड करने के बाद में अब आपको अर्निंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। आपको क्या करना होगा, अपना व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड कर रहे होते वक्त आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक देना होगा। जो भी यूआरएल शॉर्टनर साइट आप पे काम करते हो उस यूआरएल शॉर्टनर साइट से लिंक शॉर्ट करके आपको अपना यूआरएल देना होगा गाइज। अब गाइज बात करेंगे कि यूआरएल आप किसका शॉर्ट करेंगे। तो गाइज आपको किसका शॉर्ट करना है, यूट्यूब पर पड़ी किसी के भी वीडियो को एक कॉपी करके उसके लिंक को फिर अपने जो यूआरएल शॉर्टनर साइट आप यूज़ करते हो उसके ऊपर शॉर्ट करना है गाइज। कौन सी वीडियो के लिंक को कॉपी करना है, जो आपकी जो ऑडियंस है उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करेगी जिस वीडियो के लिंक को आपने शॉर्ट किया था। वो वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो यूज़र्स को लगे कि हाँ भाई अच्छी वीडियो है, कॉमेडी वाली वीडियो हो सकती है, स्टडी वाली हो सकती है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वाली हो सकती है, या फिर न्यूज़ हो सकती है गाइज, या फिर कोई हिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री वाली वीडियो हो सकती है, कोई सी भी वीडियो हो सकती है, ऐसी वीडियो के लिंक को शॉर्ट करें जो कि यूज़र्स को पसंद आए गाइज। जिससे क्या होगा, आपके जो यूज़र्स है आपके यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और जो भी आप व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड करेंगे तो वो बार बार लिंक्स पर क्लिक करेंगे और आपके व्यूज़ आते रहेंगे गाइज। अब गाइज व्यूज़ कैसे आएंगे, आप जब व्हाट्सअप स्टेटस एडिट करेंगे आपको एडिट भी करना होगा गाइज। जी हाँ गाइज, अगर एडिट नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर आप एडिट कर देते हो तो आपके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस रहते हैं गाइज। अब कैसे, आपको व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड करने एडिट करने हैं, मतलब एडिट करते वक्त आपको क्या, जैसे आपका यूट्यूब चैनल का थंबनेल लगाते हो आप व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर, लोगो लगाते हो, उसी तरह आपको लिखना होगा वहाँ पर कि चेक डिस्क्रिप्शन, चेक द डिस्क्रिप्शन। तो बंदा जो भी वहाँ पे लाखों में व्यूज़ आते हैं, करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, तो करोड़ों यूज़र्स आएंगे, तो करोड़ों में से कम 10 लाख या फिर 20 लाख यूज़र्स उस जो आपने लोगो लगाया था चेक द डिस्क्रिप्शन उसको चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दी हुई होगी, वहाँ पर आपको लिखना होगा सरप्राइज़ लिंक, तो उस लिंक पर 10-20 लाख बंदे भी जाएंगे, तो 10 लाख लोग क्लिक करके अपने मेन लिंक्स तक 5 लाख भी पहुँच जाते हैं, तो आपको आराम से महीने का आप 50 से 60 हज़ार आराम से इस लिंक शॉर्टनर साइट से आप कमा पाएंगे गाइज। इस तरह से आपको ट्रैफिक लाना है गाइज। तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब गाइज वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे यूआरएल शॉर्टनर साइट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एकदम ट्रस्टेड यूआरएल शॉर्टनर और अच्छा खासा सीपीएम भी देता है, वो डेली पेमेंट कर देता है गाइज। अब गाइज उस यूआरएल शॉर्टनर साइट का नाम है लिंक पेज यूआरएल शॉर्टनर। जी हाँ गाइज, लिंक पेज यूआरएल शॉर्टनर, मैं भी इसी लिंक शॉर्टनर साइट का यूज़ करता हूँ और अच्छी खासी अर्निंग इससे कर चुका हूँ गाइज। इसके अंदर डेली पेमेंट होता है और $5 का आपको सीपीएम रेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, $5.50 का आपको सीपीएम रेट देखने को मिल जाएगा। अब गाइज पहले वीडियो के अंदर मैंने एक यूआरएल शॉर्टनर साइट के बारे में बताया था, एमडिस के शॉर्टनर। जी हाँ गाइज, एमडिस के शॉर्टनर का भी यूज़ करता हूँ, इसके अंदर भी आपको $5 का सीपीएम रेट देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर जो मेन कंटेंट ओपन होने की प्रोसेसिंग है ओनली 2 पेज है, मतलब 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका मेन कंटेंट ओपन हो जाता है और लिंक पेज के अंदर आपको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 30 से 40 सेकंड के अंदर आपका जो मेन कंटेंट ओपन होता है, मतलब 3-4 पेज फॉलो करने के बाद में आपका मेन कंटेंट ओपन होता है। लेकिन मैं लिंक पेज के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिंक पेज के अंदर आपका जो पेमेंट है वो डेली मिल जाता है। जी हाँ गाइज, डेली मिल जाता है, मैंने यहाँ से $16 का विड्रॉ भी ले लिया और इसलिए मैं इस लिंक पेज यूआरएल शॉर्टनर साइट के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी एमडीएस के शॉर्टनर भी अच्छा खासा लिंक शॉर्टनर है, इसके अंदर आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर मेन कंटेंट ओपन हो जाता है और पेमेंट इसके अंदर क्या होता है कि मंथली होता है गाइज, इस वजह से मैं सेकंड नंबर पर रख रहा हूँ एमडीएस के शॉर्टनर को। बाकी ये भी अच्छा खासा यूआरएल शॉर्टनर साइट है, इस पर मैं रेगुलर वर्क करते आया हूँ और विड्रॉ मैंने यहाँ से कितना ले लिया वो भी बता देता हूँ गाइज। ये एकदम ट्रस्टेड यूआरएल शॉर्टनर है। अब आपको किस यूआरएल शॉर्टनर साइट पर रजिस्टर करना है आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से यूआरएल शॉर्टनर साइट का यूज़ करता हूँ। मैं तो एमडीएस के शॉर्टनर का करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मंथली पेमेंट चाहिए गाइस। अगर आपको डेली पेमेंट चाहिए तो लिंक पेज का आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आप
एमडीस के शॉर्टनर का भी कर सकते हो। एमडीस के शॉर्टनर में क्या होता है कि आपके जो 10 या 20 लाख यूजर्स क्लिक करेंगे आपके लिंक्स पे, तो उसमें से 10 लाख यूजर्स इजीली से पहुंच पाएंगे आपके मेन कंटेंट पर। अगर लिंक पेज के द्वारा जो लिंक छोड़ गई उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो 20 लाख लोग में से शायद 5-6 लाख यूजर्स ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसका तो मेन कंटेंट ओपन होने की प्रोसेसिंग वो थोड़ी हार्ड है, थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा से व्यूज़ कम आते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से यूआरएल छोड़ने साइट का यूज़ करना है। इसके अंदर मैंने $241 का विड्रॉ ले लिया। अगर आपको पेमेंट प्रूफ चाहिए तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे एमडीस के शॉर्टनर पर पेमेंट प्रूफ गाइस, जो मेरे बैंक अकाउंट में आया है सारा पेमेंट उन पर मैंने वीडियो बना रखे। उन वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो चेक कर लीजिएगा अगर आपको पेमेंट प्रूफ चाहिए तो। लिंक पेज के ऊपर भी बनाया था एक दो वीडियो, अभी अपलोड किया हाल फिलहाल में एक दो वीडियोज, आप टॉप रिसेंटली वाली वीडियोज देख सकते हो। लिंक पेज के बारे में मैंने विड्रॉ लगा के बताया था और पेमेंट प्रूफ भी बताया कि लिंक पेज पेमेंट देता है गाइस। बाकी यही इसके अंदर खासियत है कि लिंक पेज के अंदर आपको डेली पेमेंट हो जाता है और एमडीस के शॉर्टनर साइट के अंदर मंथली पेमेंट होता है। मंथली मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो अनाउंसमेंट में लिखा हुआ है विड्रॉ ऑप्शन ओपन एवरी मंथ 25-30 डेट, मतलब 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपका विड्रॉ वाला ऑप्शन शो होता है। 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप विड्रॉ लगा पाएंगे और 30 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपका जो पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ट्रस्टेड यूआरएल छोड़ना साइट है, आप ट्रस्ट करके इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों का रजिस्टर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन लिंक्स पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा और अच्छी खासी अर्निंग लिंक शॉर्ट करके अच्छी खासी अर्निंग आप यूआरएल छोड़ना साइट से कमा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।